लगातार 11 दिन जेल में रहने के बाद नवनीत राणा को कोर्ट से राहत मिली है और अब कोर्ट ने राहत देते हुए राणा को जमानत भी दे दी है। राणा को जमानत तो जरूर मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने कई ऐसी शर्त राणा के सामने रखी है जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है वो शर्तें, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल चुकी है। 11 दिनों के बाद आखिरकार नवनीत राणा को जमानत मिली है, लेकिन कोर्ट ने दोनों की जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगा दी हैं। अब हम आपको उन शर्तों के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद ने नवनीत राणा और उनके पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। पूरे 11 दिन तक दोनों को जेल में रहना पड़ा। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशन उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन अधिवक्ता साफ साफ बता रहे हैं कि जमानत तो जरूर मिल चुकी है, लेकिन शर्तें नहीं मानी गई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई की सेशन कोर्ट ने जमानत देते वक्त 50,000 का बॉन्ड भी कराया है। शर्त ये है कि राणा कोर्ट में चल रहे मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकती हैं और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। ऑपरेटिव पार्ट बेल ऑर्डर का रिलीज हो चुका है। द ग्राउंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए है। टाइप होगा, साइन होगा, कॉपी जब मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउ की है। साथ ही उन्हें इस बात की हिदायत दी गई है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे भविष्य में ना दोहराया जाए। राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा, साथ ही अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो 24 घंटे के नोटिस पीरियड पर जाना होगा। लेकिन इतना साफ है कि कोर्ट से राणा को राहत जरूर मिल चुकी है, लेकिन जो शर्तें नवनीत राणा के सामने रखी गई हैं वो उन्हें बांधने के लिए काफी हैं। वर्षा के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज़।